कैसे हैं हमारे YouTube फैमिली? आई होप ठीक होंगे। और क्या हो रहा है आज? मेरी मॉर्निंग हो गई थोड़ी लेट और बस अब मैं नाश्ते की तरफ हूँ। ये जो है आज बॉयल एग खाने थे राहिल को और साहिल को, तो बस उनके लिए एग बॉयल हो रहे हैं। हमारे लिए चाय बन रही है। मैंने हलवा पूरी मंगाई थी तो वो ख़त्म हो गई, तो अब मैं भी एग ट्राई करूँगी अपने लिए और ब्रेड के साथ उसको खाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक है? ये देखें, ये जो है ना, ये आरिस, इनकी हरकतें दिखाती हूँ मैं आपको। स्कूल से आते ही ये बन जाते हैं बॉलर। ये देखें, जूस का डब्बा जो है वो फैन के ऊपर घूम रहा है। मैं यूज़ करती हूँ ईवा कैनोला ऑयल। ये और अब ये भी ख़त्म हो गया। ये हाँ एंड पर है बस। ये देखिए मैं जो नमक डालती हूँ थोड़ा सा, अंडा ना चिपकना फिर। वाओ, तो मुझे आता है ज़्यादा। हाँ, अब कभी जब आप एग फ्राई करो तो उसमें नमक डाल देना। ये पहले जो है हम लोग बहुत नाजुक हुआ करते थे, शादी के बाद जो है सब ठिकाने आ जाता है। पहले जो है हम इसको प्याली में निकालते थे, इसको फिर दूर से डालते थे, ठीक है ना। अब हम लोग माशाल्लाह से स्ट्रांग हो गए हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। एक्सपर्ट भी हो गए और स्ट्रांग भी हो गए माशाल्लाह से। हम लोगों ने इतने क्या कहते हैं उसको, इतने दर्द बर्दाश्त कर लिए कि ये कुछ भी नहीं है। आपको दर्द मीन्स शादी के बाद जो है वो हर चीज़ फेस करनी होती है। जो लड़की एक इंजेक्शन से भी डरती है तो मैं क्या क्या नहीं करना होता। जी तो चाय निकाली। ये जो मैं प्लास से पक रही हूँ उससे बड़ा हादसे से बची थी मैं। वेल, ये मैंने एग खाया। ये ब्रेड जो है मैं राहिल को लगा कर दे रही थी, उन्होंने खानी थी। और ये जो है ना ज़ीरे वाले बिस्किट मंगाते ज़रूर हैं हम लोग, बट हो रही है और मैं ज़ीरा निकाल के खाते हैं। जो मेरी आदत है वो ही उसी की आदत है। जी तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। ये मैं बाहर आई टेरिस में, मैंने देखा मौसम बहुत अजीब हो रहा है, थोड़ा ड्राई ना, मतलब विंटर स्टार्ट होने वाला होता है तो वो ड्राई ड्राई मौसम जो होता है वो हो रहा है। और इस मौसम में मुझे जो है फ्लू रहता है, मुझे एलर्जी है, तो बस बहुत ख़राब ये मौसम भी नहीं गुजरता है। तो बस क्या कहते हैं, दवाई वगैरह मैं खाती नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी टैबलेट, बट मैंने खानी नहीं होती, ऐसी सही है। मेरे भाई हैं इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ तो बता रहे हैं वो तकरीबन एक डेढ़ महीने से सर्दी आ गई है वहाँ पर। तो खैर यहाँ तो अभी गर्मी है, दोपहर में गर्मी है और शाम में जो है वो ठंड है, सर्दी लगती है। मीन्स समझ में नहीं आता कराची के मौसम का भी। पीछे शोर बहुत हो रहा था इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग जो है वो करनी पड़ी। तो मैं आप लोग को यहाँ ये बता रही थी कि मैं इस्लामाबाद गई थी भाई के घर अपने जून जब बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गया था। तो मैं आप लोग को वहाँ की मेमोरीज वगैरह सारी अपने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट इससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब करना होगा। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ पर? क्यों साहिल? ये साहिल मुझे बहुत तंग करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनको होमवर्क करवा रही थी। हूरिया सो रही थी, आरिस मदरसे गए हुए थे तो ये बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको होमवर्क ही करवा दूँ। तो बस इन्होंने होमवर्क करके अपने लिए खुद क्लैप की। मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी, मैं बच्चों को लेके मार्केट जा रही थी, उसको मुझे साहिल को जो है स्कूल की शूज़ दिलानी थी। यहाँ जाने मतलब स्टार्ट हो गई है। यहाँ ये लोग बिल्कुल रेडी होके बैठे हैं और अपने पापा से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैच के दीवाने के पापा कौन आउट हुआ, कौन खेल रहा है, कितने स्कोर हुए, ये सब अपने पापा से पूछ रहे हैं। फिर मुझसे बोलने लगे मम्मा चले ना, तो मैंने कहा चले हम लोग रेडी हैं। बोलने लगे जी। मैंने कहा क्या क्या लेंगे? उन्होंने कहा बॉल लूँगा, उन्होंने कहा शूज़ लूँगा। और वहाँ जाके इतनी सारी चीज़ें लेनी, अपनी मम्मा का इतना ख़र्चा करवा दिया। जी तो मैं हो गई रेडी, बच्चों को लेके जा रही हूँ। असल में इसके शूज़ लेने थे साहिल के, वो
स्कूल के शूज़ हो गए छोटे इनके, रोज़ सुबह मुझे बोलते हैं। मैंने कहा मुझे याद दिला दिएगा, आज मैं भूल जाती हूँ। तो स्कूल से आते ही, अंदर आते ही इन्होंने मुझे बोला, मम्मा मुझे शूज़ और ब्लैक बोर्ड दिलाने चलेंगी ना आप, आपने प्रॉमिस किया था सुबह। तो मैंने बोला जी बिल्कुल चलूँगी, प्रॉमिस किया था। तुम बस अभी ये सोकर उठे हैं तो बस फिर मैं इनको लेकर जा रही हूँ। बस तो जी हाँ, ऑटो आ गया था, हम लोग उतर रहे थे। खूब खूब खुश थे ये लोग, ये देखे इतना बड़ा टिड्डा जो है वो स्टीयरस पे बैठा था, मैं तो साइड पे से निकल गई। और ये कहते हैं बच्चों का एक्साइटेड होना देखें, बस कोई चीज़ इन लोग को दिलाने जाओ इतना खुश होते हैं। हमारे ये घर के सामने वाले घर में माइयों थी। बस तो यहाँ पे यही है कि इतने बड़े बड़े घर हैं तो अंदर ही घर में इवेंट कर लेते हैं सब लोग ना अपने अपने। नागन चरंगी लेकर जा रही हूँ, देखें वहाँ पर मिलता है नहीं मिलता ब्लैक बोर्ड, क्योंकि यहाँ तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। अब चलकर देखते हैं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ नागन चरंगी पे। ये टेबल जो है बच्चों को पसंद आ रही थी, मैंने जो है वो ये ऑरेंज कलर पसंद किया था साहिल के लिए। बिल्कुल भी सहन में नहीं रहा कि मैंने उसने जो है वो टेबल जो है वो ग्रीन कलर की दे दी और येलो कलर की दे दी। आरिस ने रेड पसंद की थी और साहिल की नहीं, मैंने ऑरेंज पसंद की थी। मैंने बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड भी परचेज़ कर लिया था। अब ये आ गए बॉल की शॉप पर, इन्होंने लेनी थी टेनिस बॉल। टेनिस बॉल जो लेनी थी इन्होंने, वो बड़े लड़कों वाली जो बॉक्स वाली होती है वो चाहिए ना, तो ये वाली चाहिए थी इनको बॉल। ये मैंने कहा बड़े लड़कों की होती है ये, तो अंकल ने भी यही समझाया। तो खैर ये वहाँ पर साहिल को शूज़ दिलाने आ गई थी शॉप पर। ये साहिल बहुत खुश हो रहे थे न्यू शूज़ पहन के, जो हर बच्चे की आदत होती है। तो इस तरह के जो शूज़ ये जो अंकल पहना रहे हैं, इस तरह का तो है इसका जो छोटा हो गया। अब मैंने फिर इसके वाले ले लिए दूसरे वाले। यहाँ मैं ब्लैक बोर्ड इनका सेट कर रही थी, बहुत बहुत खुश थे ये लोग। मैं इनको जो है ये देखें वो काम हो रहा है इनका। अच्छा चौक मैंने लेनी थी, चौक मिली नहीं, वो कह रहे हैं अब कहाँ आती हैं चौक वगैरह। मैंने कहा है ऐसा भी होता है, बट मैंने फिर यार वहाँ से मार्केट से आने के बाद खाना बनाया जल्दी जल्दी, अंडे आलू बनाए मैंने ना। आरिस ने बोले कब से बोल रहे हैं वो कलेजी खानी है उनको या अंडे आलू खाने थे, तो कलेजी तो खैर मिली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज अंडे आलू बना देती हूँ मैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर घर वहाँ से आई मार्केट से, फिर मैंने खाना बनाया। बस ये जो मैंने चने अपने आंखों के सामने निकाल के रख दिया ताकि मुझे याद रहे, मैं इसको बॉईल करके रख दूँगी फ्रिज में, तो मैं चना पुलाव बना लूँगी, मुझे अच्छा लगता है। जी तो अंडे आलू जो हैं हमारे रेडी हो गए हैं, और नीचे सिस्टर के घर पे उसने मुझे बोला कि मुझे थोड़े से बस अंडे आलू भेज दो, तो मैंने भेज दिए। ये मैं चेयर लाई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसका लुक बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें आप कितनी अच्छी फोल्डिंग चेयर है। जी आरिस और साहिल, आप लोगों ने अपने लिए क्या क्या लिया है दिखाइए। जी और आपकी फुटबॉल कहाँ है आप दिखाइए व्यूवर्स को, और आपने कौन सी टेबल ली है दिखाइए। बेंटन की, ये इनके फेवरेट कैरेक्टर हैं। और आपने कौन सी ली है? मैंने बेंटन। आपने भी? अच्छा गुड। साहिल दिखाइए अपनी बॉल। और शूज कहाँ है आपके, शूज भी तो लिए ना। दिखाइए, वाओ ब्यूटीफुल, अच्छे हैं आपके शूज, अच्छे आपके शूज, अच्छे। वेलकम। बस जी तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।